यहाँ का पानी बड़ा ही साफ है और बहुत ही क्रिस्टल नीचे नज़र आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर बैठने की जगह भी है, आप पाँव पानी के अंदर डाल के बैठ सकते हैं आराम से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत। चारों तरफ ग्रीनरी है, पहाड़ और बीच में ही है। यहाँ पर बच्चों को झूलने के लिए झूला भी है और बैठने के लिए कुर्सियाँ और टेबल भी लगी हुई हैं। रेस्टोरेंट भी हैं और वहाँ पर भी लंच डिनर वगैरह कर सकते हैं। मैं करीब आ गया हूँ इसके पानी के, और ये देखें खूबसूरती, ना बहुत ही खूबसूरती। छुपा हुआ पॉइंट, छुपा हुआ तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर को नहीं पता और बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ से ऊपर चलने का रास्ता देखते हैं, सब सही नहीं है। तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ से चलते हैं। ऊपर भी जगह है खाने पीने की बैठने की, वहाँ तक मैं जाऊँगा यहाँ से घूम के, वो भी दिखाता हूँ आपको। जो पानी साफ़ है यहाँ पर और उसका जो मज़ा है शोर का, वो अगर आप यहाँ पर आए तो ही पता लग पाएगा आपको। मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ और उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ पर पत्थर बड़े नुकीले हैं। जब आप यहाँ आए तो अच्छे जूते पहन के आए जो कि मजबूत हो। बयान से बाहर ही मंदिर, कैमरे में तो सिर्फ बहुत ही कम लोकेशन ही आएगी, मतलब जो वीडियो बना रहा होगा कोई, लेकिन अगर मैं दिखाऊं यहाँ से चश्मा और यहाँ से भी है और बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, ग्रीनरी और बीच में बनाई है चादर का पॉइंट जबरदस्त। और मैं इस कोने पे पहुंच गया वहाँ से होता हुआ। यहाँ ऊपर भी झूले नज़र आ रहे हैं, कश्ती वाला गोल वालों को रेस्टोरेंट भी है।
अब वक्त हुआ है मेरा इसके अंदर जाने का, जूते उतार के जूते उतारेंगे और यहाँ बैठेंगे। पानी बुला का ठंडा फिसलने लगा था। जिस हिसाब से पानी ठंडा है लगता नहीं ज़्यादा देर बैठा जा सकता है यहाँ पर। पानी बहुत ही ठंडा था तो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाया मैं यहाँ पर। पर अब यहाँ पर खाते पीते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह का मिलता है। चाय का ऑर्डर किया था लेकिन चाय मज़े की तो नहीं है। खैर एवरेज चाय आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगी, आप एक्सपेक्ट ना करेंगे यहाँ पर आपको रिजनेबल चाय मिलेगी। अब तैयारी है वापसी की। इसका रास्ता ही बड़ा अच्छा सा है। अगर मैं उसकी वीडियो नहीं ले पाया आते हुए, मुझे रोड पड़ता है यहाँ पॉइंट तक आते हुए, मैं वो भी बहुत खूबसूरत है।